सेंट्रल लेता है इनकम टैक्स जो आपने ऑलरेडी कर लिए। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हुआ करता था तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा जीएसटी का क्या इंपैक्ट है हमारे देश में। ठीक है, बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगेगा? सबसे पहला इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स पे और सर्विसेज पे। जैसे इनकम टैक्स लगता है पर्सन्स पे, आदमी पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स पे और सब। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? फॉरगेट लिटरल डेफिनेशन, रैंचो वाला आंसर चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? सर जो कूली ढोके लेके जाता है ना उसको बोलते हैं गुड्स, इज इट? अपने रूम में, इनफैक्ट अपने सेंटर में जितने भी सामान आप देख रहे हैं, वस्तुएं, प्रोडक्ट्स, वो सब क्या है? गुड्स है। वो सब क्या है? गुड्स है। बात समझिएगा प्लीज, वो सब क्या है? गुड्स है। तो सर ये चश्मा भी गुड्स है क्या? यस। ये घड़ी भी गुड्स है क्या? गुड। आप जो भी कपड़े पहन के रखे सब गुड्स है, ये सब गुड्स है, एवरीथिंग इज गुड्स। तो यानी गुड्स पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, यस और नो? यस। और सर्विसेज मतलब? वेरी गुड आंसर, मैं पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा एक थोड़ा सा जोक मारने का मन हो रहा है। सर्विस का डेफिनेशन जो जीएसटी में है वो क्या है पता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्या? जो गुड्स नहीं है सर्विस। आप लोग डे टू डे लाइफ में इतना सर्विसेज लेते हो, आपको काउंट कराता हूं। सुबह उठते हो, टूथब्रश अगर करते हो तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। टूथब्रश खरीदा है, पैसा दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। सेकेंड, निकलते हो खाना पीना करके, सबसे पहले कहा जाएगा? ट्यूशन जाएगा। ठीक है, और कोई काम नहीं है अभी क्योंकि अपने स्टूडेंट है, बट ऑब्वियस है। तो पैदल जाएगा क्या? कैसे जाएगा? बस, मेट्रो। क्या ले रहा है तुम? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है क्या? पहले देता था सर्विस टैक्स, अब क्या दे रहा है? जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे भी तरह थक हार के पहुंचेगा यहां पे। यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं? टीचिंग सर्विस। कैंटीन में जाएगा, वहां पे खाएगा, वहां क्या ले रहा है? गुड्स खरीद रहा है। वहां क्या खरीद रहा है? गुड्स खरीद रहा है। समझ में आया? फिर बीच में क्लास बोरिंग लग रहा है, गर्लफ्रेंड को लेकर आइनॉक्स भाग गया मूवी देखने के लिए, क्या? सर्विस। फिर रेस्टोरेंट लेके चला गया, डेट पे 14 फरवरी आने वाला है, क्या? क्या रेस्टोरेंट में खा रहा है? क्या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना आप लोग? कभी भी बिल चेक किया आज के डेट में? बिल चेक किए? पहले क्या जुड़ा हुआ रहता था बताओ तो? मसाला डोसा, वड़ा पाव, हैन तैन खाता था और एसी में भी मस्त इंजॉय करता था, वेटर लेके आता था सर टिप दीजिए, व्हाटएवर। तो तुम खाने पे देता था कुछ टैक्स जिसको अपने सेल टैक्स बोलते थे अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा तो, और सर्विस भी उसमें होता था, उसमें सर्विस टैक्स भी लगता था। क्लियर हो रहा है? हर पॉइंट पे तो तुम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। अब तुमको बताओ अगर तुम इसको रट लेगा आज के डेट में जस्ट फॉर पासिंग एग्जाम्स, तो इट इज अ शेम फॉर आवर प्रोफेशन कि हम लोग एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लिए एक्चुअल नहीं पढ़े। तो मेरा बस एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है, जो गलती मैंने किया था एज अ स्टूडेंट, आईपीसीसी लेवल देखो, इंटर लेवल जो रहता है वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल रहता है। फाइनल में अच्छे से पढ़े थे बट एलिमेंट जो इंटरमीडिएट था उस समय तो कैसे पढ़े कैसे निकले वो पता ही नहीं है, बट फाइनल लेवल पे पिंच हुआ जाके कि बॉस यू एक्चुअली नीड टू नो द ग्राउंड रूट ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज ये ऐसा चीज है जो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। मैंने क्या बोला क्लास के स्टार्ट में? डेथ एंड टैक्स इज टू सर्टेन थिंग्स जो आपके लाइफ में पक्का है, अनलेस अनटिल तुम इंडिया छोड़ के भाग रहे तो अलग बात है। ठीक है सर, आप थोड़ा सा गुस्सा हो मेरे से तो ऐसा मुंह रखते हैं, मैं डर गया। चलो ठीक है, गुड्स एंड सर्विस पे दोनों पे टैक्स लगता है, समझ में आ गया? गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, सर्विसेज मतलब नॉर्मल चीज। ठीक है, अब अपने समझते हैं जीएसटी के पहले इंडिया में कितना तरह का टैक्स लगता था। कैन एनीवन से, एक दो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, जब गुड्स जन्म लेता था, जब गुड्स, देखो अभी समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है सर, बस और तीसरा कोई चीज में नहीं लगता है, इसलिए जीएसटी का नाम क्या पड़ा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था। सबसे पहला आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ये किस पे लगता था सर? प्रोडक्शन पे लगता था। किस पे लगता था? जब हम लोग पैदा हुए थे, अपने मम्मी पापा से जाके पूछना, आप लोग सब कुछ ना कुछ एक नॉमिनल टैक्स पे करते हो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को जब आप बर्थ सर्टिफिकेट लेते हो,
आप नहीं मतलब आपके मम्मी पापा, तो जब गुड्स इंडिया में जन्म लेगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, जन्म बनाना, किसी को जितने भी वस्तुएं सब बने हुए ना कहीं फैक्ट्री में, तो क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। ये कौन लेता था सर, ये हमसे नमो लेते थे, नरेंद्र मोदी जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, दूसरा आता था कस्टम ड्यूटी। अब ये क्या होता है कस्टम ड्यूटी, क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कभी नाम सुना है लाइफ में, इंडिया से बाहर इंडिया के अंदर अगर आप कुछ गुड्स परचेस कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंपोर्ट, उसका नाम होता था इंपोर्ट ड्यूटी। उसी तरह इंडिया से, इंडिया के बाहर अगर किसी को आप बेच रहे हो तो उसको बोलते थे एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर हुआ, प्लीज आया ना बोलिए। देखिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज अगर नहीं है ना कि करेंटली क्या था इंडिया में जीएसटी के पहले, तो आप जीएसटी समझ नहीं पाएंगे, जीएसटी का फायदा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना जरूरी है। तो जब गुड्स पैदा हुआ साथ साथ बोलो क्या लगता था, एक्साइज। जब गुड्स इंडिया में पैदा नहीं हुआ, इंडिया से बाहर से मंगाया गया, तो क्या लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी। और जो गुड्स एक्सपोर्ट कराया जाता था तो क्या लगता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी। वेरी गुड, नेक्स्ट टैक्स। अच्छा ये कौन लेता है कस्टम ड्यूटी, कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। ठीक, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स रेजीम जिसका नाम हुआ करता था सेल टैक्स। सेल टैक्स किस पे लगता था, सेल्स पे। किस पे लगता था, आज जितना भी मैंने आप बात किया ना कि गुड्स पे टैक्स लगाया, तो आज तुम सिंपल सा बात समझो, एक प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है फिर वो अपने पास ही रख के रखता है क्या, बेचता है, किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, फिर फाइनली अपने पास आता है, कस्टमर के पास आता है। तो हर स्टेज पे टैक्स लगता था जिसका नाम है सेल टैक्स, जिसका नाम चेंज हो गया था वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोला मैंने, वैल्यू एडेड टैक्स। अब सुने वेगा कहीं ना कहीं तो सुने होंगे ना, वैल्यू एडेड टैक्स। सर ये कौन लेता था, ममता दीदी लेती थी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमारे देश, आई होप यू नो कितना स्टेट्स है हमारे कंट्री में, 29 क्या, और कुछ और भी कुछ होता है क्या, बस स्टेट्स ही है, 7 यूनियन टेरिटरीज, आई होप क्लियर है। तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स का अपना अपना वैट था कि एक ही वैट था, अपना अपना वैट था, क्योंकि सर आप अभी बोल के गए कि स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन में था वैट, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इवन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाटएवर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, असम, एवरी स्टेट, झारखंड एज इट्स ओन वैट लॉ, तो आप अपना सब लगाते थे, ठीक है, ओके। सीएसटी क्या होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसका चर्चा मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अब अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। फिर होता था एंट्री ऑफ गुड्स। एंट्री ऑफ गुड्स बोले तो जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स घुसता था ना ट्रक में, उस पर टैक्स लगता था एंट्री टैक्स। एंट्री, ओ माय गॉड, खत्म ही नहीं हो रहा है, हो गया बस। फिर था सर्विस, आई होप यू नो दिस, सर्विस टैक्स, जो सर्विसेज पे आपको देनी पड़ती थी, कोई भी सर्विसेज आप लीजिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को डायरेक्टली देंगे क्या आप, किसको देंगे, जो आप पे टैक्स चार्ज कर रहा है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, प्लीज बोलिए। ठीक है सर, ये क्या है, ये क्या है, पाकिस्तान का मैप है, इंडिया का मैप है, ओके चलो, आई विल एक्सप्लेन यू अ थोड़ा बहुत कि सर हमारे देश में कस्टम ड्यूटी क्यों लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हाँ आज का क्लास बहुत बेसिक होगा, हाँ एकदम बेसिक, आप लोग खुद बोलेंगे कस्टम ड्यूटी हमारे देश में क्यों लगता था, इनफैक्ट अभी भी लगेगा, ये अभी भी लगेगा, अपने सीएमए के कोर्स में है ये, कस्टम लॉज इन योर इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, अभी भी लगेगा। अब व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस टैक्स, अब अभी समझते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं एक बार यहां मैप बना रहा हूं ना, आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग, तो प्लीज हंसिएगा मत। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है, हाँ है ना, बोल गलत, ये श्रीलंका है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया है, व्हाटएवर, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेन में कुछ गुड्स आया इंडिया, क्या हुआ, ये इंपोर्ट की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वेरी गुड, ये हुआ इंपोर्ट।
ओ माय गॉड, मैंने ऐसा क्यों बोला ओ माय गॉड? सर ये बंदा ना इंसाफी किया है. कौन? जो मिस्टर ए है यहां पे, जो इंपोर्ट किया है. क्या ना इंसाफी किया भाई? सर अगर ये गुड्स, मान लो ये मोबाइल फोन आईफोन, मान लो आईफोन इंपोर्ट किया है, ही इज एन आईफोन सेलर, वो 50 आईफोन इंपोर्ट किया है, क्योंकि उसको बट ऑब्वियस है इंडिया में प्राइस बहुत ज्यादा था, ऑस्ट्रेलिया में प्राइस कम था. तो बट ऑब्वियस है जहां प्राइस कमती होगा तुम वहीं से खरीदेगा. तो यहां पे उसको कॉस्ट पड़ा मान लो खाली 1000 रुपया पर आईफोन. आई नो इट इज इम्पॉसिबल बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. अब जो आईफोन इंडिया में बन रहा है उसको टेंशन होने लग गया. क्या टेंशन होने लग गया? अगर ऑस्ट्रेलिया वाला इतना सस्ता बेचेगा तो इंडिया में कौन खरीदेगा मेरे से? आई रिपीट, ऑस्ट्रेलिया वाला अगर सस्ता बेचेगा तो इंडिया में कौन खरीदेगा मेरे से? तो और इंडिया में अगर कोई खरीदेगा नहीं तो मैं इंडिया में क्यों रहूं? मैं इंडिया में इंडस्ट्री क्यों बनाऊं? मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा. तो बताओ क्या इंडिया का मार्केट पे इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? इंडिया का मार्केट पे इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए हाँ या ना? तो इंडिया में कोई बिजनेस करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा सर. दिस वॉज द रीजन ऑफ कस्टम ड्यूटी. सरकार ने क्या किया, सुनिए मेरा बात. सरकार हमको बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बोलेगा, निकुंज तुमने 1000 रुपया पर आईफोन इंपोर्ट किया ना, तुमको इसमें ड्यूटी भी देनी पड़ेगी. क्या देनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी. अब मैं सोचूंगा कि यार कस्टम ड्यूटी जोड़ के मेरा खर्चा तो बढ़ गया, इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया का दिमाग क्यों लगाना, हम इंडिया वाले आदमी से खरीदेगा. इससे क्या हुआ, किसको फायदा हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने किसको फायदा कराया? हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि इंडिया में बैठे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि इंडिया में बैठे हैं. क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ में आया कस्टम ड्यूटी का? अब समझ में आया कि कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं हटा? क्या जीएसटी भी उसमें लगाएंगे क्या? डिस्कस करेंगे बाद में, बट कस्टम ड्यूटी आज के डेट भी है, जीएसटी के बाद भी रहेगा, मतलब अभी भी है. इनफैक्ट जीएसटी आ गया तो अभी भी है. प्लीज बोलिए हाँ ना, प्लीज बोलिए पक्का. एक छोटा सा डिस्कशन और, मजा आ जाएगा डिस्कशन सुन के. कस्टम ड्यूटी जो लगता है ना उसके तीन हिस्से होते हैं. कितना? सबसे पहला होता है बेसिक. क्या होता है? बेसिक मतलब उतना तो लगेगा. अब सरकार कस्टम ड्यूटी को कैसे सोचेगी, प्लीज समझिए. वो गुड्स ऑस्ट्रेलिया, आईफोन का एग्जांपल, आईफोन ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस हुआ, इंडिया आया, इंडिया में बिका. ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस हुआ, इंडिया में आया, इंडिया में बिका. जस्ट टेल मी गाइज वन थिंग, अगर वो आईफोन इंडिया में ही बनता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनता, इंडिया में ही बनता, तो सरकार को क्या टैक्स मिलता? वेरी गुड आंसर. कौन बोला? वेरी गुड आंसर, एक्साइज ड्यूटी मिलता. क्या मिलता? एक्साइज ड्यूटी मिलता. तो बस सेकेंड पोर्शन है जिसको अपने बोलते हैं एक्साइज पोर्शन. एक्साइज पोर्शन जिसका दूसरा नाम हुआ करता था काउंटर वेलिंग ड्यूटी. प्लीज माइंड पे कोई भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, इट्स अ डिस्कशन जो कि आपको जीएसटी को बेसिक समझने में बहुत ईजी आएगा गाइस, समझ लीजिएगा. काउंटर वेलिंग ड्यूटी नाम में नहीं है, बस समझ लो एक्साइज पोर्शन. बात समझ में आया क्यों? क्योंकि सर अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलता? काउंटर वेलिंग ड्यूटी मिलता, जिसका एक्साइज का ही रेट था. ठीक है, और एक चीज होता, कहां से कहां बिका है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बिका है, तो क्या सेल टैक्स लगा था? नहीं. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर सेल इंडिया में ही होता तो सेल टैक्स लगता. तो बस तीसरा हो गया आपका वैट पोर्शन. तीसरा हो गया आपका वैट पोश. ये मिला के आपको देता था टोटल कस्टम ड्यूटी. टोटल कस्टम ड्यूटी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कि तुमने इंपोर्ट किया तुमको क्या क्या देना पड़ा. सोचो, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगता है, उसके ऊपर जो तुम इंपोर्ट किया उस पे एक्साइज रेट क्या है इंडिया में. अगर तुम इंडिया में मैन्युफैक्चर किया होता तो कितना रेट लगता, वो भी लेंगे तुमसे, क्योंकि तुमने क्या गुना किया, बाहर से मंगाने का गुना किया. तुम यहां का मैन्युफैक्चर का पेट काटा है, हम तुमसे बदला लेंगे. क्लियर हो रहा है गाइस? देखिए बहुत बेसिक चल रहा है, मैं कुछ भी नया चीज नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको रियलाइज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ये लॉ क्यों